कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 19 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। कर्नाटक चुनाव समाप्त होते ही सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी से डीजल ने 66 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 56 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी के साथ डीजल ने कीमतों के मामले में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को दिल्ली में जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 74.80 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं मुंबई में इसकी कीमत 82.65 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में 77.50 रुपए और चेन्नई में 77.61 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। डीजल की बात करें तो यह दिल्ली में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कंपनी की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए आपको 66.14 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़ेंगे। मुंबई में डीजल 70.43 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, कोलकाता में 68.68 रुपए और चेन्नई में 69.79 रुपए प्रति लीटर भाव पहुंच गए हैं।